गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द साइंस क्लास सो इन टूडेज साइंस लेक्चर वी विल स्टार्ट अव चैप्टर सो द चैप्टर नंबर इज नाइन एंड चैप्टर नेम इज़ रॉक्स एंड सॉयल रॉक्स का मतलब क्या होता है पत्थर और सॉयल का मतलब मिट्टी सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स सॉइल एंड मिनिरल्स जो अर्थ का सरफेस है जो अर्थ की सतह है वो किससे बनी हुई है रॉक्स से सॉइल से और मिनिरल से सॉयल इज़ रिच इन न्यूट्रिय एंड इज़ होम टू मैनी ऑर्गैनिज़म्स जो सॉयल होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रियट्स होते हैं और सॉइल के अंदर क्या है बहुत सारे ऑर्गैनिज्म भी हैं जैसे हम देखते हैं ना अर्थ वॉर्म्स होते हैं छोटे छोटे क्या कीड़े मकौड़े तो जो सॉयल है वो भी क्या है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए होम है क्योंकि सॉयल के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं rocks present in the soil are made up of grains of different sizes, color and texture. so सॉइल के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं जो पत्थर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं आर मेड अप ऑफ grains. grains क्या होते हैं छोटे छोटे दाने तो रॉक्स हैं जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं ग्रेन से बने होते हैं और जो उनके ग्रेन्स होते हैं ना छोटे छोटे दाने मतलब छोटे छोटे पत्थर को मिला के बड़े रॉक्स बनते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं डिफरेंट कलर होता है उनका और उनका टेक्स्चर डिफरेंट होता है टेक्स्चर मतलब उनकी बनावट वो किस तरह से बने हुए हैं वो रफ़ हैं स्मूथ हैं किस तरह से हैं उनका टेक्स्चर भी सबका क्या होता है डिफरेंट होता है दीज ग्रेन्स ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटैंसेज आर नोन एज मिनरल्स सो so, ये जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे सैंड है सॉइल है रॉक्स है इनके जो ग्रेन्स होते हैं ना इनके जो स्मॉलेस्ट पार्ट हैं ग्रेन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मिनरल्स नाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंक ऑफ अ चॉकलेट चिप कुकी एज अ रॉक द कुकी इज मेड अप ऑफ फ्लोर बटर शुगर एंड चॉकलेट द कुकी इज़ लाइक अ रॉक एंड द फ्लोर बटर शुगर एंड चॉकलेट आर लाइक मिनरल्स सो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक एग्जांपल दिया है जैसे आप देख रहे हो नीचे चॉकलेट है चॉकलेट चौक, चिप्स हैं तो आप सपोज करो कि ये क्या है रॉक्स तो ये पूरा क्या है एक रॉक अब ये किससे बना हुआ है इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया है फ्लोर यूज़ किया है मतलब आटा यूज़ किया है बटर यूज़ किया है शुगर चॉकलेट ये सब इसके अंदर यूज किया है तो ये जो ये जो आप चिप्स देख रहे हो ये क्या है ये रॉक है और जिन चीजों से ये बना हुआ है वो क्या है मिनरल्स तो आई होप आपको रॉक और मिनरल में डिफरेंस क्लियर है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रॉक्स तो रॉक्स की कितनी टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स तो रॉक्स किस तरह से बनते हैं उनकी प्रोसेस क्या है फॉर्मेशन की उस बेसिस के ऊपर रॉक्स कितने तरह के होते हैं तीन तरह के होते हैं थ्री टाइप्स तो कौन कौन से रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ये तीन तरह के रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा जब वो वॉल इरप्ट होता है वॉल फटता है तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है ना वो लावा जब ठंडा होकर सॉलिडिफाई मतलब वो क्या हो जाता है सॉलिड फॉर्म uh, ले लेता है तो उससे जो रॉक्स बनते हैं वो कौन से रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स सो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं डिपॉजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन होता है जमा होना सेडिमेंट्स का मतलब है छोटे छोटे पत्थर या फिर ओशियंस की जो बेड होती है ना जो नीचे वाला बॉटम सरफेस होता है उसके ऊपर क्या है एनिमल के रिमेन्स या फिर सैंड डिपॉजिट हो जाती है तो उससे जो रॉक्स बनते हैं वो कौन से रॉक्स होते हैं सैडिमेंट्री रॉक्स एंड द लास्ट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मड बाई चेंजेस इन एग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनते हैं जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के अंदर चेंजेस आते हैं चेंजेस कैसे आएंगे हीट की वजह से प्रेशर की वजह से तो उससे जो नए रॉक्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स सबसे पहले है इग्नियस रॉक्स अब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स को डिटेल के अंदर द वर्ड इग्नियस मीन्स रिजल्टिंग फ्रॉम और प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फायर इग्नियस का मतलब क्या है कोई ऐसी चीज़ जो किससे बनी हो आग से मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आग से बनी होती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ फायर उस उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं इग्नियस इग्नियस रॉक्स आर रिच इन मिनरल्स लाइक माइका फ्लैचपार एंड मैग्नीशियम जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनके अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं माइका फेल्सपार एंड मैग्नीशियम सो so, अभी आप इस पिक्चर के अंदर देख देख रहे हो ना ये जैसे ये हिल है इसके अंदर से क्या है वलकैनो इरप्ट हो रहा है ना वो बाहर फट जा फट रहा है तो जो लावा बाहर आ रहा है वो क्या होता है जैसे जैसे वो नीचे आता है वो कूल होके सॉलिडिफाई हो जाता है ना वो जम जाता है तो उस वो किस आ, कौन सी शेप ले लेता है रॉक्स मतलब वो जम के पत्थर बन जाते हैं तो उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं इग्नियस रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ इज सो हॉट दैट द रॉक्स मेल्ट जो हमारी अर्थ के अंदर अंदर है ना डीप इनसाइड द अर्थ मतलब धरती के अंदर बहुत क्या है गर्मी है द टेम्परेचर इज वेरी हाई वहाँ क्या बहुत ज़्यादा हॉटनेस है जिसकी वजह से रॉक्स क्या हो जाते हैं मेल्ट हो जाते हैं दिस मेल्टेड मटीरियल इन साइड द अर्थ इज़ नोन एज मैगमा तो ये जो मेल्टेड मटीरियल है मेल्टेड जो रॉक्स हैं धरती के अंदर उन्हें हम क्या बुलाते हैं मैग्मा

तो ये जो मोल्टन मटीरियल मेल्ट जो ये मेल्टेड मटीरियल धरती के अंदर से बाहर आता है उसे हम क्या बुलाते हैं लावा द लावा कूल्स डाउन लावा क्या होता है फिर जैसे जैसे वो बाहर आता है वो ठंडा हो जाता है एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म रॉक्स अगेन नोन एज इग्नियस रॉक्स तो जो लावा बाहर आ रहा है वो ठंडा हो के वो क्या जम जाता है सॉलिडिफाई हो जाता है और उसके क्या बन जाते हैं रॉक्स बन जाते हैं उन रॉक्स को हम क्या बुलाते हैं इग्नियस रॉक्स यहाँ आपको प्रोसेस क्या स्टेप्स के अंदर समझाया हुआ है इन बॉक्सेस के अंदर सबसे पहले क्या है रॉक्स मेल्ट होते हैं ड्यू टू हीट ऑफ द अर्थ धरती के अंदर उसके बाद क्या है मेल्टेड मटीरियल मैगमा कम्स आउट वेनो वोल्कैनो इराप्स तो वो जो मेल्टेड रॉक्स थे जिन्हें हम मैग्मा बुलाते हैं जब वोल्केनो इराप्ट होता है तो वो मैग्मा क्या आता है बाहर आता है लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स और एंड में क्या होगा लावा कूल होकर सॉलिडिफाई होके क्या बन जाते हैं इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स थे पहले रॉक्स मेल्ट होते हैं धरती के अंदर वो मेल्टेड मटेरियल बाहर आता है मेल्टेड मटेरियल जो धरती के सरफेस पे बाहर आ गया उसे हम लावा बुलाते हैं और वो लावा ठंडा होकर रॉक्स बन जाते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं इग्नियस रॉक्स सो सम ऑफ द इग्नियस रॉक्स इंक्लूड यहाँ इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल दिए फर्स्ट इज ग्रेनाइट द वर्ड ग्रेनाइट मीन्स ग्रेन रॉक तो ग्रेनाइट का मतलब क्या है ग्रेन रॉक क्लियर ये आप देख रहे हो ना ये क्या ऐसे लग रहा है ना ग्रेन्स को जोड़ा हुआ है तो इसे हम बुलाते हैं ग्रेनाइट इट इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा ये कैसे बनता है ग्रेनाइट जब लावा स्लोली कूल डाउन होता है इट इज अ कोर्स ग्रेन कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है मोटे दाने है ना तो ये इसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े मोटे होते हैं यूज ग्रेनाइट यूज़ कहाँ पर होता है इट इज़ यूज एज अ बिल्डिंग मटीरियल इन किचन स्लैब्स एंड फ्लोर्स इसे हम बिल्डिंग मटीरियल में जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो किचन की स्लैब्स पे और या फिर फ्लोर्स बनाने के लिए फर्श बनाने के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज फ्यूमाइज इट इज़ फॉर्म फ्राम लावा दैट हज़ फोर्थ इन इट्स ड्यू टू ट्रैप्ड एयर विद इन इट सो so, जो प्यूमाइस रॉक होता है वो कैसे बनता है जो लावा होता है उसके अंदर क्या होती है फ्रोथ फ्रोथ का मतलब झाग और ये क्यों होती है ड्यू टू तो द ट्रैप्ड एयर क्योंकि एयर क्या हो जाती है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से इसका स्पॉन्च लाइक स्ट्रक्चर बनता है सो दिस इज प्यूमाइस इट इज द ओनली रॉक विच फ्लोट्स एज इट इज पोरस एंड लाइट इन वेट ये सिर्फ एक ऐसा रॉक है ऐसा पत्थर है प्यूमाइस जो क्या फ्लोट करता है तैरता है क्यों क्योंकि ये पोरस होता है इसके अंदर क्या है एयर ट्रैप्ड होती है ना तो ये क्या इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता है पोरस होता है ये पोर्स होते हैं मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं इसके अंदर और इसका वेट क्या होता है बहुत लाइट होता है जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है इसे इट इज़ यूज एज अ फुट स्क्रबर फुट को स्क्रब करने के लिए हमने देखा है ना वो आते हैं बने हुए फुट स्क्रबर्स तो उसके अंदर कौन सा रॉक यूज़ किया जाता है प्युमाइस रॉक